हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सनी ट्यूटोरियल। गाइस, आज मैं आपको बताने ऑडियंस रिटेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑडियंस रिटेंशन होती क्या है? सबसे पहले तो बात ये होती है, ऑडियंस रिटेंशन किसी भी वीडियो का वो पार्ट होता है कि जो व्यूवर्स होता है या जो भी दर्शक होता है हमारी वीडियोस को देखता है, कितने पार्ट को देखता है, तो यूट्यूब उसको एक ऑडियंस रिटेंशन का नाम देता है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब होता है कि ऑडियंस रिटेंशन मतलब रुकता कितनी देर है आपकी वीडियो पर, तो यही मतलब होता है ऑडियंस रिटेंशन का। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसा चीज आपको बताऊंगा कि ऑडियंस रिटेंशन बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अपलोड होता है, बहुत लोग वीडियोस को ना स्टार्टिंग में देखने के बाद ही छोड़ देते हैं। जैसे 5 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 1 मिनट देख लेते हैं या 1.5 मिनट देख लेते हैं या 2 मिनट देख लेते हैं, तो एवरेज देखा जाता है तो बहुत सारा कम आ जाता है। तो उसकी वीडियोज का ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो अगर 50% से कम हो जाता है तो वो वीडियो वायरल नहीं होती है। तो होता क्या है, तो इससे क्या होता है कि उसकी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कलर का बन के आ रहा है, एरो जो होता है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि उसकी वीडियो की मतलब उसको प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब, और उससे पता चल जाता है कि ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं है तो वो वीडियो वायरल नहीं होगी। तो होगा क्या, अब ऑडियंस रिटेंशन तो खराब होगी आपकी वीडियो का। तो मैं आज ऐसा एक तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो है जिसका भी ऑडियंस रिटेंशन खराब हो गया है, उसको आप इस ऐसा एक मेथड में बहुत अच्छी सॉलिड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपकी सारी वीडियोस, कोई भी वीडियोस को आप बहुत अच्छा ऑडियंस रिटेंशन उसको फिर से बढ़ा सकते हैं, वो भी अपलोडेड वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, जो ऑडियंस रिटेंशन है उसको आपको बढ़ाना है अभी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको एक सेल फोन लेना है, जो भी आपकी जिस भी आईडी से आपका, अगर जिस भी चैनल आईडी से अगर लॉगिन है वो वाला नहीं लेना है, किसी का भी आप ले सकते हैं, किसी का भी, आपका फ्रेंड्स हो या जिसका भी, जिससे कि आपके चैनल को जो जिसमें सब्सक्राइब ना हो। सबसे पहली चीज ये है कि वो ऐसा एक सेलफोन लेना है या जो भी लेना है जिससे आपका सब्सक्राइब ना हो आपके चैनल का। और उसके उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक देख रहे हैं कि जो भी जिससे भी आपको करना है तो उसको YT स्टूडियो से उसकी हिस्ट्री को आपको रिमूव करना है, यहाँ पे एक चल रहा है वो भी आप देख लीजिए। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपको एक ऐसा सेल फोन लेना है जिसमें आपका चैनल का सब्सक्राइब ना हो, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि उसका YT जो यूट्यूब स्टूडियो का जो हिस्ट्री है उसको भी आपको वहां से रिमूव कर देना है, आप जाके हिस्ट्री पे जाके वहां पे रिमूव कर देना है। सबसे पहली चीज ये जैसे ये चीज कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी वीडियो को अपने जो भी टाइटल होता है, जो भी वीडियो का टाइटल होता है, जैसे ये ही वीडियो है हमारी, जो भी हमारी वीडियो का जैसे ये टाइटल है, इसी टाइटल के बाद आपको स्पेस दे के अपने जो भी आपका नाम है चैनल का उसको आपको करना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे बन के चला आ रहा है, तो बन के जैसे ही चलता चला आ रहा है तो इससे क्या होगा, और उसके बाद उस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, फुल वॉच करना है आपको एंड तक, मतलब उसको बिना भी, ये नहीं है कि आपको 10% 20% नहीं, पूरा फुल वॉच करना है। फुल वॉच करने के बाद जैसे वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया आपका, ऐसे ही आप अपनी कोई भी वीडियोस का है, धीरे धीरे जब भी आप इसको करते रहेंगे। और उसको एक चीज और है, उस सेल फोन से आपको अपने जो भी चैनल को उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है उसकी वीडियो को पूरी फुल वॉच करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने यही चीज आपको बताया था, व्यूज की प्रियोरिटी। तो उसमें क्या है, जो फर्स्ट प्रियोरिटी की बात कर रहे थे और सेकंड प्रियोरिटी की हम बात कर रहे थे, यही चीज होता है किसी भी ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। तो यही एक मेथड है किसी भी वीडियो का, आपको ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे तो उसका एवरेज जो टाइम होता है वो धीरे 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 जितनी बार भी आप देखेंगे तो उसका एवरेज टाइम वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब को
चीज़ नहीं पता चल रहा, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपकी जो उसकी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री को आप रिमूव कर दे रहे हैं वहाँ पे। और जितना हो सके कि आप एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, जितने भी आपसे हो सके, आप हर फ्रेंड से आपको लेके जो आपके सब्सक्राइब ना हो, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ बात यही हम आपको बताना चाहते हैं। एक उसकी हिस्ट्री रिमूव कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ के वो सब्सक्राइब ना होना चाहिए उस सेल फोन से। अगर सब्सक्राइब होगा या तो दूसरी आईडी से आप बना सकते हैं, या लेकिन उसका सब्सक्राइब ना होना ये मस्ट होता है, फुल वॉच करना है। लेकिन आपको उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको जो भी दूसरा फोन होगा आपका उसको आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, उस वीडियो को फुल वॉच करना है, ना ही उसको कमेंट करना है, ना ही लाइक करना है, ना ही आपको कुछ करना है। ऐसे आप करते जाइए सारा क्या होगा, यूट्यूब क्या है कि हमने आपको प्रियोरिटी बताई थी, फर्स्ट प्रियोरिटी में ही आ जाएगा आपका चैनल। तो आपकी वीडियो फर्स्ट प्रियोरिटी में जैसे ही वो आती है, तो वैसे उसका एवरेज ड्यूरेशन टाइम जैसे 50%, जैसे अगर 30-40 है तो आप धीरे धीरे आप उसको क्या 50-60 के करीब 70 तक भी ला सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो भी सर्च रैंक सब चीज में और सजेशन सब जगह में आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही एक ज्यादा ही सीक्रेट मेथड है किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी यूट्यूबर्स के लिए। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि आप सबकी प्रॉब्लम यही होता है कि मेरी ऑडियंस रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही थी मेरे पास। कल भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर इस तरीके से एक वीडियो बताइए, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारी वीडियो डी रैंक हो जा रही है, या हमारे रिटेंशन बहुत खराब हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा मेथड बताइए जिससे कि हमारा ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाए। एक तो ये है कि ये चीज तो हमने एक बता दिया, आप बूस्ट करा सकते हैं अपने, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपकी वीडियो का कंटेंट भी आपको अच्छा होना चाहिए, आपका थंबनेल भी आपको बहुत इंप्रूव करना चाहिए। अगर नहीं आता तो आई बटन में जाके देख सकते हैं, तीन मेरी वीडियोस हैं, वो तीनों वीडियोस आपको मिल जाएगी आई बटन में, वो आप इम्प्रूव करिए। उसका SEO देखिए, वो भी हमें आई बटन में देख दे देता हूँ। तो इस तरीके से सब चीज़ आपको जब सब कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होगा तो आपका धीरे धीरे क्या है ना ऑडियंस रिटेंशन आपका बढ़ता भी जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपको कमेंट करना है और बताना है, सब्सक्राइब करना है, सब कुछ करना है, जो भी चीज़ें होती हैं आपको बेल आइकन और कमेंट लाइक सब कुछ करना है, और बहुत ही ज्यादा इसका प्रोत्साहन देना है कि हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो, खुद की ये वीडियो और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सभी लोगों को आपको शेयर भी करनी है, जिससे कि हमारी ये वीडियोस के माध्यम से आपको भी फायदा हो और आपके जो भी जानने वाले हैं उनको भी फायदा हो। और मेरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम लिंक भी आ रहा है, उसको भी आप उस पर भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में ही होता हूँ। तो आप वहाँ पे भी मुझे आप अपनी क्वेरीज या जो भी चीज़ है आप वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं मेरे को। तो जब तक नई नई वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए बाय बाय।